राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दो रंग का डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। आप इसको बच्चे के कार्डिगन में डाल लेना, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, टॉप में, कहीं भी डाल लेना। दो रंग का डिज़ाइन सारी जगह अच्छा लगा है। पहले हम 6 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 छः, छः फंदे क्रीम के बना लिए। एक फंदा पिंक का बना लेंगे। फिर आगे 5 फंदे क्रीम बना लेंगे। एक डिजाइन ये 12 फंदे का बनेगा। 6 फंदे क्रीम, एक पिंक, 1 2 3 4 5, 5 फंदे क्रीम, ये 12 फंदे हो गए। अब यही 12 फंदे हम आगे बना लेंगे। आगे फिर ये 6 फंदे क्रीम बनाने हैं हमने अगला डिजाइन के लिए। एक, सॉरी, पिंक नहीं, एक दो तीन चार पाँच छः। अब ये 11 फंदे आगे दो डिजाइनों के बीच में एक पिंक बना देंगे। फिर ये जो ये 11 फंदे आए हैं, इनमें से 6 फंदे, 5 फंदे पिछले डिजाइन के हैं, 6 फंदे अगले डिजाइन के हैं। दोनों डिजाइनों के बीच में मतलब 11 फंदे आ गए यहाँ। फिर आगे ये वाले 6 फंदे, आगे 5 फंदे, सॉरी, 6 तो ये आगे, आगे 5 फंदे ये वाले। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच, और एक फंदा ये हो गया। दोनों कोने पे एक एक फंदा सिलाई का हो गया, 2 4 और 1 5, 6 फंदे हो गए ये। एक फंदा ज़्यादा ये हम घटा लेंगे। दो चार दो छः और 1 ये। अब आगे दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब दूसरी सिलाई में हमने किस तरह बनाना है, जो फंदे जिस रंग के हैं उसी रंग के बना लेंगे। ये पिंक है तो इसको पिंक ही बना देंगे यहाँ, और ये क्रीम है जो क्रीम बना देंगे। अब जो यहाँ ये लंबा फंदा आ रहा है इसको हम ऐसे छोटा कर लेंगे दबा के, ताकि बच्चे का हाथ नहीं फंसे, उंगली नहीं फंसे यहाँ। दो दो फंदे के बाद दबाना चाहो दबा के, दो दो के बाद दबा लो, अगर कई कई के बाद दबाना चाहो कई कई के बाद दबा लो। मैं ये थोड़ा लंबा इसलिए करके दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी। अब आगे दो सिलाई उतार दी है, अब तीसरी सिलाई आ गई। तीसरी सिलाई में हमने किस तरह बनाना है, अब यहाँ कोने पे हमारे 5 फंदे आ गए, 5 फंदे क्रीम, अब 3 फंदे पिंक बना देंगे, एक इस तरफ से मिला लेंगे, एक इस तरफ से। 3 फंदे पिंक आ गए। अब आगे 1 2 3 4, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 फंदे हैं। यही 12 फंदे हमें आगे बना लेंगे। 5 फंदे क्रीम, 3 फंदे पिंक, 4 फंदे क्रीम। अब ये 5 हैं जो ये फंदे आ गए यहाँ, 1 2 3 4 5, 5 फंदे क्रीम। अब यहाँ दोनों डिजाइनों के बीच में हमारे 9 फंदे आ गए। पहले 11 फंदे थे, अब 9 फंदे आ गए। एक इस तरफ से पिंक बना लिया, एक इस तरफ से। 1 2 3
तीन तीन फंदे पिंक, फिर एक दो तीन चार पाँच कोने वाला फंदा भी बना दिया। अब चौथी सिलाई आ गई। अब चौथी सिलाई में जो ये फंदे हमारे पिंक तीन हैं, अब इनको पांच बना देंगे। ये वाला पिंक बनाना, यहाँ इस तरह दबा के बनाना दोनों, इस तरफ से। इस तरफ वाला तो बनाने की ज़रूरत नहीं, इस तरफ वाला दबा के बनाना, नहीं तो यहाँ जाली बनेगी फिर अगर नहीं दबाया हमने। अब पांच पिंक आ गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात, अब सात बच गए हमारे यहाँ, एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे पिंक, एक दो तीन चार और ये कोने वाला पाँच। कैसे बना दिया यहाँ पे, ये दिख रहा है इधर का कैसे आ गया। अब ये पांच फंदे हो गए। अब आ गई चार सिलाई हो गई है। अब पांचवी सिलाई, पांचवी सिलाई में अब ये फंदा भी हमने पिंक बनाना है, एक दो तीन। अब तीन फंदे इस तरफ कर लेंगे, तीन फंदे इस तरफ कर लेंगे, बीच वाले को हम इस तरह बना देंगे। एक क्रीम बना दिया, फिर आगे तीन फंदे, एक दो और एक ये मिला लिया, तीन 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 छः, तीन नौ और एक दस और एक ग्यारह बारह। अब ये बारह फंदे हो गए, यही बारह फंदे हमें आगे बना लेंगे। अब तीन फंदे बनाने हैं हमने करीम अगला डिजाइन के लिए, एक दो तीन। अब ये वाला फंदा हमने पिंक बनाना है, एक दो तीन, फिर एक करीम, एक दो और एक ये तीन पिंक, फिर आगे सारे फंदे हैं ये जो, इनको हम क्रीम बना देंगे। अब ये पांचवी सिलाई थी, अब आ गई छठी सिलाई। अब छठी सिलाई में भी हमने किस तरह बनाना है, ये तीन फंदे बनाने हैं, एक दो तीन। अब तीन फंदे बनाने, तीन फंदे बीच में हमारे तीन इस तरफ आ गए, ये इन तीन को हम पिंक बना देंगे, एक ये बढ़ा के दो ये, और इनको हमने जो क्रीम है उसको तो हम पिंक बना देंगे, इन दोनों को हम क्रीम बना देंगे। एक तो एक क्रीम, ये वाला पिंक, ये वाला क्रीम। अब तीन फंदे, एक तो तीन पिंक और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये वाला हमारा क्रीम आ गया। ये बारह फंदे बनाने हमने आगे पूरी सिलाई में। अब दो फंदे, जैसे ये कोने वाला डिजाइन है, दो फंदे क्रीम, फिर ये वाला पिंक आ गया, एक दो तीन। अब ये छठी सिलाई है। अब ये पिंक क्रीम, सॉरी ये वाला पिंक, फिर ये वाला क्रीम। अब तीन फंदे पिंक, एक दो और एक ये तीन। अब दोनों कोने पे अब आ गई सातवीं सिलाई। सातवीं सिलाई में हमने एक पिंक, एक क्रीम, तीन फंदे पिंक। अब हम पांच फंदे बच गए हमारे, पांचों फंदे में तो हमने ये वाला क्रीम बना देना है,
ये वाला पिंक बना देना है, ये वाला क्रीम, ये वाला पिंक, अब आगे ये वाला फंदा हमारा क्रीम। अब अगले तीन फंदे पिंक बनाने हैं, एक दो तीन, तीन फंदे पिंक। अब हमारा डिजाइन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये बारह फंदे का एक डिजाइन है, यही बारह फंदे हमने आगे बनाने हैं। अब ये फंदा हमारा जैसे कि ये है कोने वाला, एक क्रीम, ये क्रीम बना के आगे हम अगला डिजाइन पूरा कर देंगे। एक क्रीम, तीन पिंक, फिर अब यहाँ हमारे फंदे पांच आने हैं, पांच तो आ रहे हैं बल्कि, एक दो तीन चार और एक ये पांच, तीन फंदे हैं, पांच बना देंगे अब यहाँ। एक पिंक क्रीम, एक पिंक, एक क्रीम, एक पिंक, फिर एक फंदा क्रीम। अब देखो ये पांच फंदे आगे, एक क्रीम, एक पिंक, एक क्रीम, एक पिंक, एक क्रीम। अब आगे तीन फंदे हमारे आगे क्रीम। अब ये फंदे बारह हो गए, और जो ये एक फंदा है, ये फंदा हमने डिजाइन को सेट करने के लिए एक फंदा इस तरफ ज़्यादा रखा था, छह फंदे रखे थे यहाँ कोने पे, एक फंदा ज़्यादा रखा था, ये पांच रखने थे हमने यहाँ, ये एक फंदा डिजाइन को सेट करने के लिए रखा है। अगर आपके पास नहीं है एक फंदा ज़्यादा तो खाली ये फंदा रख लो, ये भी नहीं बना रहे तो फिर इस तरह आएगा हमारा डिजाइन। एक फंदा मतलब यहाँ कोने पे एक फंदा बच गया, इस तरफ और एक फंदा ज़्यादा बना रखा है डिजाइन को सेट करने के लिए। अब ये सात सिलाई होगी, अब आ गई आठवीं सिलाई। अब आठवीं सिलाई में फिर हमने किस तरह बनाना है, अब जो दोनों डिजाइनों के बीच में ये फंदा है एक, ये बड़ा, अब यहाँ हमने तीन बनाने हैं क्रीम, और जो ये फंदे हैं ये वाले सारे, इनको हम जो क्रीम है उसको ऊपर पिंक बना देंगे, पिंक के ऊपर क्रीम बना देंगे, और जो ये तीन फंदे इस तरफ हैं, तीन फंदे इस तरफ हैं, इनमें से भी हमने इसी तरह बनाने हैं फंदे। अब देखो किस तरह बनाना हमने, ये फंदा देखो, ये पिंक बना देंगे, ये क्रीम, ये पिंक, ये क्रीम, अब ये वाला क्रीम आ गया, वो ये फंदा हमने पिंक बना दिया, ये वाला क्रीम बना दिया, फिर ये वाला फंदा पिंक, ये वाला क्रीम, ये वाला पिंक। अब ये जो दोनों कोने पे तीन तीन पिंक बना रहे थे इनको हमने बंद कर दिया, आधा डिजाइन हो गया ये। अब ये वाला क्रीम, ये वाला पिंक, और अब ये बीच का फंदा ये है, ये तीन फंदे बना देंगे यहाँ। अब तीन में से हमने देखो बारह फंदे किस तरह हैं, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये बारह फंदे बना रहे हैं हम, यही ये बारह फंदे का डिजाइन है, यही बारह फंदे हम आगे बना देंगे। अब दो ये आगे, तो हमारे दो ये फंदे अगले डिजाइन के हैं, तो यहाँ दोनों डिजाइनों के बीच में ये तीन फंदे आगे। अब आगे एक पिंक, एक क्रीम, एक पिंक, एक क्रीम, एक पिंक, फिर एक क्रीम, फिर एक पिंक, ये वाला फंदा क्रीम, ये वाला पिंक। अब एक क्रीम, अब ये दो क्रीम आ गए यहाँ पर, ऐसे बनेगा जैसे ये दो क्रीम आ रहे कोने पर। अब ये वाला भी फंदा क्रीम। अब दोनों कोने पर देखो तीन तीन फंदे हैं, दो दो डिजाइन के, एक एक सिलाई का। अब इस तरह बनेगा, ये फंदे भी हमारे तीन हैं, अब की बार हम इनको पांच बना देंगे, यहाँ पर ऐसे आएगा ऊपर की तरफ भी। फिर अब इस डिब्बी को बंद कर रहे हैं हम, जो ये तीन तीन फंदे चल रहे थे वो हमने बंद करके एक क्रीम एक पिंक कर दिया। अब आ गई नौवीं सिलाई, अब ये वाला आ गया हमारा क्रीम, अब ये वाला फंदा आ गया पिंक, ये क्रीम, ये पिंक, फिर ये वाला क्रीम, ये वाला फंदा क्रीम पिंक, ये क्रीम, ये फंदा पिंक।
अब देखो तीन थे हमारे, पांच फंदे अब करीम आ गए बीच में दोनों डिजाइनों का। अब दो फंदे पिछले डिजाइन के हैं, तीन फंदे अगले डिजाइन के हैं। देखो ये तीन आ गए कोने पे, तो अगला डिजाइन इन तीन से शुरू हो गया, फिर ये फंदे अगला डिजाइन के हैं, तो दोनों के बीच में पांच आ गए। अब की बार नौवीं सिलाई में ये एक करीम आ गया, ये पिंक आ गया, ये करीम, ये पिंक, ये फंदा करीम, ये फंदा पिंक। अब ये एक दो और एक तीन, और ये भी करीम। अब आ गई दसवीं सिलाई उल्टी सिलाई, चार चार फंदे करीम, एक ये पांच। अब ये वाला पिंक, ये करीम, ये पिंक, ये करीम, ये वाला फंदा पिंक। अब देखो सात फंदे करीम आ गए यहाँ, एक दो तीन चार पाँच छः और एक सात। अब सात फंदे हैं जो इनमें से तीन पिछले डिजाइन के हैं, तीन अगले डिजाइन के हैं। अब ये बारह फंदे हैं पिछले, चार फंदे करीम, एक पिंक, एक क्रीम, एक पिंक, एक क्रीम, एक पिंक, एक क्रीम, ऐसे ये बारह फंदे यही फंदे आगे बना रहे हैं। अब एक पिंक, फिर एक क्रीम, फिर एक पिंक, एक क्रीम, एक पिंक, आगे पांच फंदे आ गए। अब आ गई ग्यारहवीं सिलाई। अब ग्यारहवीं सिलाई में हमने एक दो तीन चार पाँच और एक ये छः, एक सिलाई का है, पांच फंदे डिजाइन के हैं। अब ये वाला आ गया हमारा पिंक, अब ये करीम, ये फंदा आ गया पिंक। अब यहाँ आ गए हमारे सात फंदे थे, अब आगे नौ फंदे करीम। नौ में से तीन इस डिजाइन, नौ में से चार इस डिजाइन के हैं, पांच फंदे अगले डिजाइन के हैं। एक ही है। अब देखो चार पांच, पांच ये हो गए, तीन फंदे ये हो गए, पांच तीन आठ, नौ दस ग्यारह बारह, ये फंदे हैं। पांच करीम, एक पिंक, एक करीम, एक करीम पिंक, चार फंदे करीम। एक एक क्रीम, फिर एक पिंक, फिर एक दो तीन चार पाँच छ। अब ये आ गई दसवीं सिलाई, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे करीम आ गए, एक फंदा पिंक आ गया, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह फंदे आ गए पिंक करीम, एक फंदा पिंक, फिर एक दो तीन चार पाँच छ और एक सात, दोनों कोने पे सात सात फंदे, बीच में ग्यारह। अब ये दस सिलाई होगी। अब आ गई ग्यारहवीं सिलाई। अब ग्यारहवीं सिलाई में फिर हमने एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये फंदा हमारा एक फंदा है, अब भी इसको एक ही बना देंगे। ग्यारहवीं सिलाई हमारी जिस तरह हमने दसवीं उतारी है सेम ऐसी उतरेगी। अब एक फंदा है ये, इसको हम ऐसे पिंक बना देंगे, बाकी के फंदे सारे इस तरह बना देंगे। ग्यारह सिलाई होगी ये। अब बारहवीं सिलाई में हम सारे फंदे पिंक बना देंगे, पिंक नहीं सॉरी क्रीम।
जो ये पिंक धागा हमारा इस तरफ है, हम दबा कर लेकर जा आना है इस साइड, दूसरी साइड आगे फिर डिजाइन शुरू करना है इस साइड से। अब सारे फंदे बना रखे हैं, जो एक फंदा ये क्रीम पिंक था ये भी हमने, अब देखो दबा के इस तरह ले आना, यूं दबा के दो दो फंदे के बाद दबा लेना, तीन तीन के बाद दबा लेना ऐसे। अब आगे फिर इस तरफ से डिजाइन शुरू करना है अगला। अब ये 12 सड़ाई होगी, 12 सड़ाई का डिजाइन हो गया। आपने अगर आगे बीच में दो डिजाइनों के बीच में गैप करना है तो कितनी सिलाई उतार लो बीच में। जैसे अब ये वाला डिजाइन हम ऊपर बनाना, हमने इसी के ऊपर बनाओ, इन्हीं के ऊपर ऊपर बना लो, या फिर यहाँ बनाना चाहो तो यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो बदल के। अगर आपने पूरी कोटी में डालना है, जैसे मैं यहाँ से शुरू बॉर्डर के बाद ही शुरू कर लिया, आगे इसी के ऊपर अब शुरू करना तो अब शुरू कर लो, या फिर 2 सिलाई क्रीम उतारनी है, 3 4 उतारनी है, 6 उतारनी है, बीच में गैप कर करके बना लो, आपकी मर्जी है, ऐसे बनेगा ये डिजाइन। अब ये वाला डिजाइन हमारा 12 सिलाई का बना है, यही 12 सिलाई बार बार बनाएंगे तो ऐसा डिजाइन बनेगा। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो आपको ये वाला डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी।